हिंदी व्याकरण का उच्चारण और वर्तनी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भाषा और उच्चारण पढ़ा था, उसके बाद में था व्याकरण पढ़ा था, मात्रा पढ़े थे, मूल रूप पढ़े थे। अब हम उसके फिर इसी लेसन का हम लोगों ने उसके पहले का चैप्टर पढ़ा था हिंदी। हाँ, क्या पढ़ा था? हिंदी उच्चारण की विशेषता। हिंदी उच्चारण में किसकी किसकी विशेषता क्या होती है, कौन से जो अक्षर को लगाने से हम वर्तनी करने में अगर गलती करते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, उसका उच्चारण ही बदल जाता है। जिस तरीके से हम लोगों ने र को देखा, री को देखा, है ना, र को देखने के बाद हम लोग कभी कभी कोई क्या करते हैं, वो गलती भी करते हैं, रुको करने में भी वो कुछ बच्चे या कुछ लोग गलती करते हैं। ऐसे ही को फिर अंग्रेजी के शब्दों को जिस तरीके से मिलाने से र के देखा हम लोगों ने, इस तरीके से इसके पहले भाग में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। अभी क्या करेंगे? संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्त अक्षर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि शब्द उच्चारण में किस तरीके से बच्चे अगर उसका अर्थ उच्चारण गलती करते हैं तो उसका वर्तनी भी गलत हो जाता है, उसका अर्थ भी गलत चेंज हो जाता है, वो गलत हो जाता है। उसी तरीके से संयुक्त अक्षर, उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर कैसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों में जिसमें स्वर नहीं आता है, स्वर को उच्चारित नहीं किया जाता है, जिसे बताई हूँ, दो या दो से अधिक व्यंजनों को जिसमें स्वर को उच्चारित नहीं किया जाता है उसे संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी जैसे इसमें चार है जिसमें स्वरों का यहाँ पे नहीं होता है, श, त्र, य, श, यहाँ पे छ का क्या हो जाएगा? क, धर, धर, तो इसमें आप कक्षा लिख सकते हो, रक्षा लिख सकते हो, ठीक है, इसमें शिक्षक लिख सकते हो, शिक्षिका लिख सकते हैं। अभी वैसे ही त्र, त्र में क्या होता है? त, धन, र, यंत्र, तंत्र, परतंत्र, है ना, ऐसे कुछ उदाहरण है जिसमें आप इसमें दे सकते हैं। उसी तरह से ज्ञ, ज्ञ में ज, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान, विज्ञान, ऐसे यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं लिख रही हूँ, उसके अंतर्गत आप समझ सकते हो। यहाँ पे श्रम, श्रम, श्रमी, श्रम, है ना, सिंगार, सिंगार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें इसका क्या हो जाता है, मतलब ही, हाँ, श्रृंगार, यहाँ पे ऐसे कुछ बताया गया है। इसके उदाहरण के अंतर्गत आप लोग इसको विस्तार से समझ सकते हो। उसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें च के पहले आता है, है ना, र के पहले, फिर श, इसीलिए श, तो यहाँ पे अगर यह आ जाता है, यहाँ पे जैसे मैंने श्रृंगार लिखा, ठीक है ना, श्रृंगार लिख दिया है, तो ये श्रृंगार यहाँ पे ना लिख के आप लोग क्या कर सकते हो, श्रमिक लिख सकते। श्रमिक तो हम लोगों ने लिखा है, श्रम लिखा है, या श्री, आश्रय लिख सकते। यहाँ पे देखो श्रम और वो पे समय गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे श्रम आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? श्रृंगार। यहाँ पे लिखने के था हम लोगों ने, वहां पे भी उदाहरण के द्वारा आप लोग को समझा रहे हैं, श्रृंगार, श्रृंग, है ना। यहाँ पे इसका कुछ लोग भ्रम करण उसको क्या लिख लेते हैं? श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं जो भ्रमित होते हैं, जो उच्चारण उसमें उनको करने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे र का भी संयोग है, व्यंजन के साथ र का संयोग करने से भी अनेक अशुद्धियां होती है र का उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय भी बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कैसे र का प्रयोग व्यंजन में करते हैं, यह र है, हम रस्सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, है ना, रास्ता, ऐसे हम लोग, ये सिंपल वाला है, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। वही अगर र का उच्चारण हम जब करते हैं संयुक्त अक्षर के हिसाब से, तो ये क्या
करते हैं। जैसे
विद्यालय। तो बच्चे यहाँ पे विद्या लिखते हैं, है ना, विद्यालय लिखते हैं। ध का उच्चारण भी यहाँ पे उन लोग गलत करते हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी गलती होती है और अशुद्धियां उसमें दिखने लग जाती है। उसी तरीके से द वर्ड, इसमें अगर अपन लोग देखेंगे उदाहरण के तौर पे लड़ना है कि नहीं, ये झगड़ना ये सही है, मगर बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, लड़ना, ये जो है ना अर्थ नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसको सिर्फ लड़ना, झगड़ना, सड़ना, अड़ना ये सब लिखते हैं। उसी तरीके से ध, यहाँ पे भी हम ध और इसका भी हो जाता है, इसका भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरीके से पढ़ना है ना, तो बच्चे कैसे लिखते हैं इसे, ऐसे ही लिखते हैं इसको। तो वो बच्चे वो भी आप लोग को समझ के लिखना है और उसको अच्छे से उसका उच्चारण करने से आप लोगों को उसमें अशुद्धियां नहीं होंगी। अब यहाँ पे हो जा दिखा रहा है, तो यहाँ का भी ढोलक है ना, ढोलक, ढोल, ये राइट है, ये सही है, ढोलक, ढोल, ये आप लोगों को यहाँ पे सही बताया, सही बोल दिया जाएगा। तो बच्चों आज जिस तरीके से हम लोगों ने आप लोगों को बताया पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, किस शब्द का और किस अक्षर का, किस वर्ण का हम सही अगर उच्चारण करेंगे तो उसकी वर्तनी में गलती नहीं होगी और उसके जो अर्थ है वो सही सही आप लोगों को क्या होगा, समझ में आएगा, आप बोलने में भी उसको गलती नहीं करेंगे। उसी तरीके से जिस तरीके से हम कुछ भी बोलते हैं, अगर मातृभाषा राज्यभाषा मिल जाती है तो हम उसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय गलतियां हो जाती है, त्रुटियां हो जाती है, तो वो गलतियां अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, वो हमें दिखना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने लिखते समय और बोलते समय भी वर्तनी का, उच्चारण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, है ना, नासिका का किस तरीके से आप लोग उसको बोलते समय आप लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उसका भी बहुत महत्व रहता है। तो बच्चों उसी तरीके से अनुस्वार में भी हम लोग लिखते समय या पढ़ते समय उसको गलत कर देते हैं, अनुस्वार में ये रहता है, अनुस्वार ये गंदी लगा ऊपर में, और वही अनुनासिक में क्या होता है, सिर्फ ऐसे चंद्रबिंदु लगाते रहता है। इसको लिखते समय भी बच्चे गलती करते हैं और उसका बोलते समय भी में वर्तनी में वो गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे ये ध्यान अ बिंदु दे दिया है और यहाँ पे चंद्रबिंदु, यहाँ पे क्या दिया है, अनुस्वार दिया है और यहाँ पे अनुनासिक दिया हुआ है, तो हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है। अनुनासिक बोलते समय हवा और मुख, हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है, तो भेद के अर्थ उसमें बदल जाते हैं। इन दोनों के उच्चारण लेखन में अशुद्धियां होती है, भ्रमवश अशुद्धियां होती है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, इसमें सिर्फ अनुस्वार अनुस्वार नाक से निकलती है, मगर यहाँ पे मुख और नाक दोनों से इसमें हवा निकलती है। तो ये लिखते समय और आप बोलते समय आप रोज के रोज प्रैक्टिस करो, बोलते समय लिखते समय, तो आपको उसमें कठिनाइयां नहीं होंगी और आपका बोलते का उच्चारण जो है ना वो भी सही सही आएगा और वर्तनी में भी गलत नहीं आएगा। तो बच्चों आज हम फिर संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन जो है ना उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे का हम अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे। बाय।